हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत प्रमुख खेल संस्था कमेटी और आयोग का गठन। जी हाँ, महत्वपूर्ण वर्ष, महत्वपूर्ण सन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ट्रिक नंबर 36। 19 को नहीं, सैया 22 को हग कर लेना। बात क्या की जा रही है, थोड़ा ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, 19 को नहीं, सैया 22 को हग कर लेना, बस इतना याद करना है। 19 से हो जाएगा 19वां, ठीक है ना, और सैया से हो जाएगा एशियाई खेल, सैया एशिया है ना, थोड़ा सा मिलाइए। यानी कि 19वां एशियाई खेल का आयोजन 2022 में हग से क्या होगा, हांगझू चाइना में इसका आयोजन किया जाना है। तो बोलना क्या रहेगा, 19 को नहीं सैया, 22 को हग कर लीजिएगा, ठीक है ना, बस इतना याद करना है। चलिए ट्रिक नंबर 37। 15 पुरुष 23 हॉकी लेकर भारत पहुंचे, क्या दिमाग में रखना है, 15 पुरुष 23 हॉकी लेकर कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो याद क्या होगा यहां से, 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन 2023 में भारत में किया जाना है। तो कितने पुरुष, कितने हॉकी लेकर और कहाँ पहुँचे, ठीक, ये कब याद आएगा, परीक्षा में जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा तुरंत आपको ये क्लिक करेगा दिमाग में, 15 पुरुष 23 हॉकी लेकर भारत पहुँचे। यानी 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन 2023 भारत में किया जाना है। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 38। ट्रिक नंबर 38 बोलने से पहले क्षमा कीजिएगा आप लोग, यहां पर देखिए क्या ट्रिक में है। हां, महिलाएं 22 घंटा नींद में रहती हैं। हां, महिलाएं कितने घंटे नींद में रहती हैं, 22 घंटे नींद में रहती हैं। ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक तक ही सीमित रखें। इसके जितने भी पात्र हैं, इस ट्रिक में जितने दिए गए पात्र हैं, वो सभी काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, बस याद हो यही मेरा मकसद है। ठीक, हाँ, महिलाएं 22 घंटा नींद में रहती हैं, याद क्या होगा, हाँ से हो जाएगा हॉकी और महिला से हो जाएगा महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन 22 से हो जाएगा 2022 में, नींद से हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है ना। हां, महिलाएं 22 घंटा नींद में रहती हैं, यानी कि महिला विश्व कप हॉकी 2022 में नीदरलैंड में किया जाना है। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 39। तिरपाल में राजकुमारी पढ़ती है, कहां पढ़ती है, तिरपाल, आपने सुना होगा तिरपाल जो तंबू लगा के पढ़ाते हैं। ठीक, तिरपाल में राजकुमारी पढ़ती है, देखिएगा तिरपाल से जाएगा तिरपन, तिरपाल को क्या बोलिए, तिरपन। ठीक, जैसे तिरपाल बोलते हैं तो यहां पे आप बोलेंगे तिरपन तिरपाल। ठीक, तिरपन तिरपाल, यानी कि 1953 में राजकुमारी से क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1953 में। तो राजकुमारी किस में पढ़ती है, तिरपाल में, तिरपाल मतलब तिरपन, ये क्लिक करेगा जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ट्रिक नंबर 40 की तरफ। बाल काटने की बात हो रही है, बाल कौन काटता है, नाई काटता है, अब देखिएगा क्या होगा। हे नाई, बस कट बाल, है ना, हे नाई बस काट बाल, है ना, बस काट बाल। कुछ नाई होते हैं मतलब छोटे करते चले जाते हैं। ठीक, तो किसी ने क्या कहा, हे नाई बस कट बाल, अब इससे ज्यादा छोटा मत कर। नाई से जाएगा नाई स्मिथ, ठीक है ना, बस कट बाल से हो जाएगा बास्केटबॉल। नाई स्मिथ ने बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1891 में किया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, हे नाई बस कट बाल, देखिए मेरा छोटा छोटा हो गया, ज्यादा काट दिया। चलिए ट्रिक नंबर 41, देखिए बड़ा रोचक ट्रिक है, इसको 18 से 82 हंटर मारो, क्योंकि ये कमीशन खाता है।
देखिए कमीशन खाने वालों की क्या हाल होती है, बहुत पिटाई होती है। तो लोगों ने क्या कहा, इसको 18 से 82 हंटर मारो, क्योंकि ये कमीशन खाता है, ठीक है, ताकि इसकी कमीशन खोरी खत्म हो जाए। देखिएगा 1882 में हंटर से क्या समझना है, हंटर कमीशन की नियुक्ति, यानी हंटर कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 1882 में। और भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1882 में ही हुआ था। तो इसको 18 से 82 हंटर मारो, क्योंकि ये कमीशन खाता है, हंटर कमीशन, ठीक, हंटर कमीशन। और भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला ट्रिक देखिएगा, ट्रिक नंबर 42, 54 स्कूलों में खेल ना होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्योंकि हर स्कूल में खेल अनिवार्य है, तो खेल जरूर होना चाहिए, क्योंकि खेल के माध्यम से ही सर्वांगीण विकास होता है। तो 54 स्कूलों में खेल ना होने के कारण क्या हुआ, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो 54 से होगा 1954, स्कूल खेल समझ में आ रहा होगा, स्कूल खेल, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन 1954 में किया गया था, ठीक है ना। या फिर SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन भी 1954 में किया गया था। तो 54 स्कूलों में खेल ना होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए तो ये दिमाग में बैठेगा। चलिए ट्रिक नंबर 43 की तरफ, हारने वालों को लूजर कहते हैं ब्रो, बिल्कुल सही है, हारने वाले को क्या कहते हैं, लूजर। तो हारना नहीं है, उत्साह बनाए रखना है, जिज्ञासा बढ़ाए रखना है, क्योंकि हारने वाले को क्या कहते हैं, लूजर कहते हैं ब्रो, इसको ध्यान रखिएगा। तो हारना नहीं है, चलिए हारने वाले से क्या समझना है, हार वर्ड स्टेप टेस्ट का आविष्कार लूजर से क्या होगा, लुसियन, और ब्रो से क्या हो जाएगा, ब्रोहा। यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का आविष्कार लुसियन ब्रोहा ने किया था, ठीक है। तो हारने वाले को लूजर कहते हैं, हार नहीं मानना है, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर 44, प्रेशर में लोग बॉटल पीते हैं, गम में होते हैं, तो लोग क्या, इतने से आप समझ गए ना, खाली पढ़ाई नहीं समझ में आ रही, बस इतने से वो समझ में आ गया, तो इसको भी समझने का प्रयास करो, समझ काफ़ी है। अरे आप लोग तो पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालते हो, ये क्या चीज़ है। प्रेशर में लोग क्या करते हैं, बॉटल पीते हैं, बॉटल मतलब समझ में आ गया ना। चलिए तो प्रेशर का मतलब हो जाएगा प्रेशर ट्रेनिंग या दबाव प्रशिक्षण का आविष्कार, बॉटल का मतलब क्या, विंटर बॉटम ने प्रेशर ट्रेनिंग या दबाव प्रशिक्षण का आविष्कार किया था, बस इतने ध्यान रखना है, प्रेशर में लोग बॉटल पीते हैं, याद हो जाएगा, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर 45, मेरे को 12 महीने में साइकिल चाहिए। जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका टारगेट ही रहता है, सीधा बता देते हैं कि अगले साल मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है ना। पापा कहते हैं अच्छे नंबर लेकर के आओ, मैं तुम्हारे लिए साइकिल ले आऊँगा। तो कहते हैं मेरे को 12 मास में साइकिल चाहिए, तब तक इकट्ठा कर लीजिए। मेरे को हो जाएगा माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण अवधि, माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि 12 मास की होती है, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ट्रिक नंबर 46 की तरफ, मौसा चार से छः सप्ताह के बाद आएंगे, अब आएंगे तो की बार चार से छः सप्ताह रहेंगे भी, सोचिए। तो मौसा से हो जाएगा मेसो साइकिल की जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 4 से 6 सप्ताह की होती है। तो मौसा जी 4 से 6 सप्ताह बाद आएंगे और 4 से 6 सप्ताह तक घर पे रहेंगे भी, सोचिए कितना बड़ी बात है। चलिए ट्रिक नंबर 47, रो मत माई, 1 हफ्ते बाद आ जाइए, ठीक है ना। इस समय लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर रह करके, काफ़ी लोग घर नहीं जा पाते हैं,
तो अपने मम्मी से क्या बताते हैं, ए रो मत माई, एक हफ्ता बाद आ जाइब घर पर, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या होगा, माई से हो जाएगा माइक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि एक हफ्ता यानी एक सप्ताह यानी सात दिन की होती है, या फिर 3 से 20 दिन भी आपको मिल सकता है। तो माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह या फिर 3 से 20 दिन तक की होती है। तो ये महत्वपूर्ण शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सन जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होंगे। बेस्ट ऑफ